बोकारो और माझी एक्सप्रेसवे में 12 अंडरपास, आरओबी रांची से करीब होगा कोलकाता। झारखंड को जल्द ही एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 1700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार बोकारो से गोला और माझी एक्सप्रेसवे निर्माण की योजना को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। कहा गया है कि इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। पहले चरण में यह सड़क बोकारो को बोकारो के जैना मोड़ से गोला तक बनाई जाएगी। दूसरे चरण में गोला से और माझी रांची तक इसे बनाया जाएगा। बताया जाता है कि NHAI ने सारी तैयारी कर ली है। जल्द ही टेंडर निकलने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 2 सेक्शन में टेंडर निकाले जाएंगे। बोकारो से गोला और गोला से और माझी 2 सेक्शन में टेंडर निकालने का काम भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बताया जाता है कि दोनों सेक्शन को मिलाकर इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झारखंड में 2 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण का काम भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत होगा। पहला ओडिशा के संबलपुर से रांची तक एक्सप्रेसवे बनेगा। इसकी कुल लंबाई 146.2 किलोमीटर है। दूसरा छत्तीसगढ़ के रायपुर से गुमला रांची होते हुए धनबाद तक सड़क बनाने की योजना है। इसके तहत और माझी से गोला होते हुए बोकारो तक की एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। इसकी लंबाई करीब 700 किलोमीटर होगी। इसके अतिरिक्त एक रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस भी है, जो बिहार से चलकर झारखंड में प्रवेश कर पश्चिम बंगाल से हल्दिया तक जाएगा। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है एक्सप्रेसवे। बोकारो से गोला और माझी एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि इसे भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इस प्रोजेक्ट को और माझी सिकीदरी गोला बोकारो सड़क के पास ही शुरू किया जाएगा। यह पूरी तरह से नई सड़क होगी। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 400 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। एक्सप्रेसवे पर बड़े वाहनों के लिए अलग लेन। जानकारी के अनुसार इस एक्सप्रेसवे को और माझी रांची स्थित पुदांग टोल प्लाजा से करीब 1 किलोमीटर पहले इस सड़क को सिकीदरी गोला तरफ निकाला जाएगा। यह सड़क सिकीदरी रोड से भी जुड़ी होगी। वहीं बोकारो में जैना मोड़ के पास से इस सड़क का निर्माण होना है। सड़क में सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सर्विस लेन के साथ साथ बड़े मालवाहक वाहनों के चालकों के लिए विश्राम गृह भी बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से वाहन चालकों को इस रूट के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा। ट्रैफिक वाले रोड को छोड़कर वे इस सड़क पर चल सकेंगे। इससे भारी वाहन चालकों को ज्यादा लाभ मिलेगा। बड़े वाहन चालक ट्रक टेलर के लिए अलग से सर्विस लेन भी बनाया जाएगा। गोला में बनेगा रेल ओवर ब्रिज। तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 33 NH 33 पर और माझी से सिकीदरी दीरी होते हुए गोला तक निकाला जाएगा। फिर गोला से बोकारो तक सड़क बनेगी और माझी से बोकारो तक 60 किलोमीटर की यह सड़क बिल्कुल नई सड़क होगी। इस सड़क में और माझी से गोला के बीच 27.8 किलोमीटर की दूरी है। इसमें एक बड़ा पुल का निर्माण होना है किया जाएगा। गोला से पहले एक रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इस सड़क में 7 पुल और 24 अंडरपास बनाए जाएंगे। और माझी से बोकारो के बीच 12 अंडरपास और माझी से गोला के बीच में 12
और गोला से बोकारो के बीच में 12 अंडरपास बनाए जाएंगे। गोला से बोकारो के बीच 8 ओवरपास बनेंगे। गोला से बोकारो के बीच में 5 मध्यम साइज के पुल भी बनेंगे। पूरी सड़क पर 139 कलवर्ट का निर्माण किया जाएगा। लगभग 5,000 करोड़ की लागत से बनने वाले ये दो एक्सप्रेसवे झारखंड के विकास को नई गति देंगे। कोलकाता, भुवनेश्वर, रायपुर जैसे महानगरों और व्यावसायिक औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बिलासपुर, पारादीप, संबलपुर सहित कई शहरों से रांची एवं राज्य के कई शहरों की दूरी कम हो जाएगी। रांची से कोलकाता के बीच की दूरी 120 किलोमीटर कम हो जाएगी। जी हां, कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेसवे झारखंड को एक नई विकास की तरफ ले जाएगा। झारखंड में आने वाले वाहन चालकों के लिए भी ये सुविधा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे की सौगात से झारखंड वासियों में खुशी का एक माहौल दिख रहा है। कारोबारियों के लिए ये एक सुनहरा अवसर दे रहा है। झारखंड में इससे कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और लोगों की आमदनी भी मिलेगी। साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से युवाओं को और मजदूरों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ, इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।